गुलाब जामुन बहुत सारे तरीक़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बने ब्रेड के गुलाब जामुन। ट्रस्ट मी गाइस, ये इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इतने आसान हैं बनाने में कि बच्चे भी बना ले। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ विद रंजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हमने बनाया है ब्रेड से। जितने ये बनाने में आसान होते हैं ना, खाने में उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो चलिए मिलके बनाते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो 1.5 कप मैंने चीनी ली है और इसमें 1.5 कप ही हम पानी ऐड कर रहे हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए चीनी और पानी की मात्रा सेम रखनी चाहिए, इससे परफेक्ट चाशनी तैयार होती है। और मीडियम फ्लेम पर हम इसे धीरे धीरे चलाते हुए पका लेंगे। तो देखिए चीनी हमारी घुल गई है, तो अब मैं इसमें 1 पिंच केसर ऐड कर रही हूँ, साथ ही में 4 हरी कुटी हुई इलायची। और इसे 3 से 4 मिनट तक हम और पका लेंगे ताकि इसका एकदम हनी जैसा टेक्सचर हो जाए, जो परफेक्ट होता है गुलाब जामुन की चाशनी के लिए। तो देखिए परफेक्ट 3 से 4 मिनट बाद ये हनी जैसी कंसिस्टेंसी में आ गई है। और अब हम इसमें नींबू की कुछ बूंदें ऐड करेंगे ताकि इसमें क्रिस्टलाइजेशन ना हो, जो पपड़ी जम जाती है बिल्कुल भी नहीं जमेगी। कवर करके साइड में रख देते हैं और अब गुलाब जामुन बनाते हैं। इसके लिए मैंने 8 से 10 ब्रेड ली है, वाइट ब्रेड है। इसके साइड्स मैंने ऑलरेडी कट कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे चाकू की हेल्प से या हाथों से इस तरीके से तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। ध्यान रखें फ्रेश ब्रेड ही हमें यूज़ करना है। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, इजीली ग्राइंड हो जाती है। और अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, मलाई वाला पका हुआ दूध है घर का, नॉर्मल टेम्परेचर पर। दूध हमेशा हम चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें दूध की मात्रा का स्पेशली ध्यान रखना होता है। वैसे तो 4 से 5 चम्मच दूध इसमें इनफ होता है, लेकिन हर ब्रेड की क्वालिटी अलग होती है, तो मात्रा थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है दूध की। और देखिए डो लगभग हमारा आधा तैयार हो गया है, इसी तरीके का रखना है। कवर कर देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए ताकि परफेक्ट सोक हो जाए। तो लीजिए 4 मिनट हो गए हैं। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाते हुए मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा इसको गूथना नहीं है हमें। और चलिए इस तरीके से हम इसके गुलाब जामुन बना लेंगे मनपसंद शेप में, साइज़ में। देखिए बिल्कुल भी इस पर क्रैक नहीं है क्योंकि परफेक्ट डो बना है। अगर आपको लगता है क्रैक आ रहा है इस पर, तो आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए या दूध ले लीजिए, लेकिन बस ध्यान यही रखना है गुलाब जामुन में कि इसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और लीजिए इस तरीके से सारे गुलाब जामुन बनके तैयार हैं। बहुत इजीली बन जाते हैं ब्रेड के गुलाब जामुन। और इधर मैंने घी ले लिया है पैन में, आप ऑयल भी ले सकते हैं। घी हमारा मीडियम हॉट है, तो अब हम इसमें गुलाब जामुन ऐड कर देंगे और घी की फ्लेम को जो है गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो की साइड कर देंगे। लगातार चलाते हुए हम इसमें बढ़िया सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। लगातार चलाना बिल्कुल ना भूलें ताकि इवनली एक जैसे हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार हों। लीजिए बढ़िया सा कलर आ गया है गुलाब जामुन का। और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक स्ट्रेनर में। देखा आपने ये कितने आसान हैं बनाने में, बच्चे भी बना लें। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना, तो बस बना लीजिए, बिल्कुल इतने बढ़िया बन के तैयार होंगे कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। और अब गरम गरम चाशनी में हम इसे डिप कर लेंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। और 1 से 1.5 घंटे बाद देखिए मज़ेदार गुलाब जामुन तैयार हैं। तो कैसी लगी रेसिपी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।